अब दूसरी चीज हम पूरा मैच खत्म हो गया ऐसे लग रहा है। हम फिर डोमिनोज का 300 रुपए का डोमिनोज का नाम खराब कर रहे हैं। ये रिंकू भाई सामने खड़े ओपनिंग द बैटिंग फॉर LSG। लेजर शो चलने वाला, लेजर शो देखिए। और यार जो गाइस जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना वो सिर्फ पिंच कर रखी होती है, ठीक है, वैसे कपड़ा ही होता है ये उखाड़ रहे हैं हम देखिए। और जो देखिए विकेट फिर साफ करके इसको रख देंगे। वेल वी गॉट वन ऑफ द 7 sixes। थैंक यू कहने आ रहे हैं, मतलब जब तक जितने मैच हुए जितने ऑडियंस आई है सिक्स बाउंड्रीज अलोंग विद दैट टाइम बोलो नहीं करता। Yeah, that sacrifice is important. Fair enough. ये चेक करें पानी बट रहा फ्रीज का, अरे खत्म हो गया जब मैंने बनाना था। बहुत बटा एक गाड़ी और यहाँ पे कोई कूद के चले ना जाए, हाँ कोई कूद के चले ना जाए तो इतना गहरा पानी भी भर देते हैं और जाल भी लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। जो शो लाइट था भी जो लाइट से अभी शो करा गया तो इस इन लाइट से करा गया, इन लाइट से और इन लाइट से, ठीक है। ये गाड़ी है, ये बना रखे है इसके 203, 204, 205 देखिए। अरे कितनी सीटें होंगी इसमें। ये ऐसे है जैसे ये ए ब्लॉक है इसकी अलग सीट है, ये बी ब्लॉक है इसकी अलग सीट है, कुछ इस तरह है। ऐसे कैसे पड़ी कितनी बढ़िया लग रही ना, बिल्कुल खाली हो रखी है। वो ग्राउंड स्टाफ के साथ नखलाऊ जाइंट्स फोटो खिंचा रहा जो ग्राउंड के जो टेक केयर करते हैं। गाइस मैच खत्म होने को आधा घंटा हो गया और देखिए ये भी जो बाउंड्री होती है ये भी इकट्ठी कर दी, पानी छिड़क दिया, पानी पता भी लगा कहाँ गया, ठीक है। और जो पावर प्ले था वो भी उठा दिया और जो एडवर्टाइजमेंट लगी हुई थी वो भी उठा दी, वो देखिए उठा रहे तो देखिए, ठीक है। और ये रहा नखलाऊ जाइंट्स का खेमा और ये रहा जो काम करता कर्मचारी और ये सब कुछ खोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल वो नीचे से आए हैं ऊपर, ये ले आए, नॉन सेंस है यार, गर्मी गर्मी आ गई, आराम से बैठे थे लेकिन यार ऊपर से मज़ा आ रहा देखने में यार। मैं देख चुका हूँ यहाँ से तो रील बनाई थी वो वाली, ये देखिए क्या बेहतरीन लग रहा है यहाँ से, अंडे की शेप में अलग लग रहा है। मेरा पता नहीं जो ना हम आँखों में देख लेते हैं आपको दिखा नहीं सकते, फोन पर हमें पता ही लगेगा यार क्या जो कर लो, जो भगवान ने चीज़ बनाई है एक आदमी ने बनाई है यार, बहुत फर्क है यार। भाग रहे हैं, पता नहीं देंगे नहीं देंगे, पहले तो बेइज्जती हो गई है, क्या नाम चले गया, नहीं देंगे नखलाऊ की टीम। जो ऊपर वाला कैमरा होता जो मैंने आपको बताया था रस्सियों से लपेट रखा था, ठीक है, अब वो भी देखिए तार खोल रहे हैं, वो वहाँ पे देखिए रिफ्लक्स वहाँ कर पानी की बोतल मेरे आ ही गई है। वो वाला जो कैमरा था ना उड़का हुआ, लेकिन भाई ऐसे खींच रहे हैं, गोरे अंग्रेज हैं। आ चलें, बस बिहाइंड का सीन यही है, अब ये 4-5 घंटे से लगे रहेंगे काम करते रहेंगे। 4 घंटे खेल होता, पहले 3 दिन तैयारी करने को लग जाती है, उसके बाद 1.5 दिन ख़राब होने को लग जाती है, निकालने को लग जाती है, बस यही काम है यही धंधा। टॉयलेट इधर आ जाती है, ठीक है, वॉशरूम देखिए आप, एक्साइटेड इतनी होती हम तो बैठ वहाँ से हिले ही नहीं 4 घंटे, पता नहीं लगा कैसे निकल गए। और बस अब बाहर चल के फिर मिलेंगे आपसे। ये जो प्रैक्टिस ग्राउंड जो कहते हैं ना, टीम अपने अपने होम ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रही है, वो ऐसे छोटे छोटे ग्राउंड बना रखे होते हैं सामने स्टेडियम के पास में, ठीक है, कुछ इस तरह होता है। ये बाहर का सीन है, लाइट चल रही बहुत तगड़ी से और कुछ ये बाहर का सीन है ऐसा। बड़े बड़े जनरेटर देखिए यार भाई मेरे, कितने जनरेटर हैं भाई, जनरेटर देगा ट्रांसफार्मर देगा, वो देखो जनरेटर अंदर कितने हैं, जनरेटर तो पता नहीं बहुत है यार। ओए होए 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 कितने, अरे छोटे नहीं पता कितने कितने टन के होंगे, ओ अरे भाई मेरे, ये अपने बस की कहाँ है यार, है ना, कितना खर्चा यार, ये एक मैच में पता कितना खर्चा होता है, कितना और कितना दुगना तीगना कमाते होंगे, खर्च कर देते तो कमाई कितनी होगी। ये सही बात है भाई, इतना बड़ा स्टेडियम बनाया, ये एक पोल नहीं बन पाएगा अपने से, अपने से पोल नहीं खड़ा पाएगा, बट ये एक पोल बना कर कितना कमा कितना लेते हैं इस पोल से,
ये पोल के 100 पे पोल बना लेंगे ये लोग। एक पोल से 100 पोल आते हैं। एक मैच में वो भी इतना एडवर्टाइजमेंट होता है, अपने ऐसे नॉनसेंस होते जो मैच देखने जाते पर जो दिल करता है वो जाना पड़ता है। बट मैं सोचता बैठे, मैं वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, 5 मीटर की दूरी में खड़े थे और पता लग रहा था यार इंसान मांस हड्डी कितनी बोन सब कुछ सेम दिया भगवान ने। और वो ऐसे कर हाथ कर देना अपने से पागल हो जाते, पब्लिक नहीं अपने भी हो जाते भाई, पता नहीं क्या बात है। अब तो विराट कोहली धोनी नहीं है पर वो उसमें क्या करें, मर जाएंगे मेरे ख्याल से। यहाँ पे टीम ने जाना, दोनों टीमों बसें खड़ी हैं, वो तब इतनी भीड़ लग रखी है यहाँ पर। अंदर ही चले हैं खड़े किसी की मर्सिडीज, ठीक है वो पुलिस वाले वैन आ गए वो। अरे यार कितना बड़ा ना क्या बताया भाई, हम तो जा रहे हैं यार, हम थक गए काफ़ी और दोनों टीमें आई नहीं है। केकेआर की बस वो खड़ी है सामने आप देख सकते हैं, और लखनऊ सुपर जायंट्स की ये खड़ी है, ठीक है जी। अब हम लोग जा रहे हैं, बाइक पता नहीं कब तक आएगी हमें क्या पता, ठीक है। अगर यार ब्लॉग बढ़िया लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, ऐसे ब्लॉग लेके आने तो प्लीज़। लव नखलऊ होम ऑफ सुपर जायंट्स, सुपर जायंट्स ठीक है जी, होम ऑफ सुपर जायंट्स दिल का नखलऊ। तो वो सामने हेलमेट भी पड़ा वहाँ पे भी।